गाना मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ तो वैसे अच्छी है नहीं, बट थोड़ा सा क्योंकि गुनगुनाऊँगा नहीं तो गाना को समझ में नहीं आएगा। तो गाना था पूर्वा सुहानी आई रे हाय पूर्वा, तितुओं की रानी आई रे हाय पूर्वा। लाल भाई की जर्नी होने वाली है पूर्वा एक्सप्रेस में, ट्रेन नंबर 1238 पूर्वा एक्सप्रेस जो हावड़ा जंक्शन से सुबह 8:15 निकलती है और नई दिल्ली पहुँचाएगी नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूं ऋषि एंड वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग एंड वन मोर घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। और मैं आ चुका प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है। अगर ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है, 3 दिन गया होके 4 दिन पटना होके, जो पटना होके जाती है उसका ट्रेन नंबर है 12303। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे को पटना होके जाती है और जिस ट्रेन से भाई मैं आज जर्नी कर रहा हूँ 12381 पूर्वा एक्सप्रेस, ये संडे वेडनेसडे थर्सडे जो गया होके जाती है। पूर्वा एक्सप्रेस पे जनरल कोच पे जाने के लिए लाइन लगा हुआ है। अच्छा है, जो भगदड़ मचता है इससे अच्छा है यहाँ पे सिस्टम से लोग लाइन से और सिस्टम से लोग कोच पे वोट करते हैं। आ चुके हमारी पूर्वा एक्सप्रेस, 8 पे आने वाली थी लेकिन बाद में अनाउंसमेंट हुआ 9 पे आएगी। जो भाई पहली बार चैनल पे आए रिक्वेस्ट करूंगा सामने रेड करके सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में आपको इस तरह की ट्रैवलिंग ब्लॉग्स चाहे वो ट्रेन जर्नी हो बस जर्नी हो देखने को मिलते रहेगा। HA1 इसी में मेरी सीट है, सीट नंबर 20। चले चलते हैं सीट पे, दिखाता हूँ कैसा कुछ है। ये देखते हैं आप इंटर करते हैं ठीक, आपको वॉशरूम के बगल में इस तरह का पेंटिंग्स लगा हुआ है। आ चुके हैं 20, कहाँ पे भाई 20 कहाँ है नंबर पता नहीं चल रहा यार। 18, 17, 20 अपर बर्थ है। मैंने जब टिकट करवाई थी RAC था, RAC 5, कल मैसेज आया था कि आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है और जो कोच बता रहा था HA1 वो मुझे लगा कि लगता मेरी टिकट अपग्रेड हो चुकी है, मुझे लगा कि मेरी टिकट अपग्रेड हो गई है फर्स्ट AC में, बट कोच में कोच अपग्रेड हुआ है लेकिन सीट नहीं। आप देख सकते हैं ये सेकेंड AC, जो मेरा टिकट सेकेंड AC का था वो सेकेंड AC में है। सेकेंड AC नॉर्मल जो रहता है दो साइड और साइड लोअर साइड अपर भी है, लेकिन कोच हमारी AC फर्स्ट कोच में ये सीट है। पावर प्लग हैंगर दिया हुआ है पिलो ब्लैंकेट, और इसमें अच्छी बात क्या रहती है AC 2 में होता है ये जो बर्थ का जो विड्थ होता है चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है और फर्स्ट AC में इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन सेकेंड AC का भी ठीक है कंफर्ट के हिसाब से काफ़ी है, और वही थर्ड AC में थोड़ा कम होता है। चलिए मैं इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। हमारी इस कोच में मुझे लग रहा है आधा सेकेंड AC का सीटिंग अरेंजमेंट है और आधा फर्स्ट AC का। चलिए मैं इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। ग्लास लगता है बीच में से क्रैक हो गया, लेकिन कह सकते नीट एंड क्लीन है। हैंड वॉश पॉप लग दिया हुआ है, आप चाहे तो शेविंग कर सकते हैं। यहाँ फ्लश देख लीजिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यस इट्स वर्किंग काम कर रहा है, कह सकते नीट एंड क्लीन है, होना भी चाहिए और हमारा एक फर्ज बनता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें। एक मेरे को और एक शेफा को है ना, शेफा ठंड लग रही है ना हम लोग को, कल क्या देखो मैं क्या कर पहने हुए। हेलो एक फ्रूट केक और पानी की बोतल, चाय भी पी लेते हैं। आराम
और ये ट्रेन 21 घंटे 50 मिनट में 1449 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है नई दिल्ली का। इसका एवरेज स्पीड रहता है 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मैं कोच कंपोजिशन बता देता हूँ। इस ट्रेन में टोटल 9 स्लीपर कोच है, थर्ड एसी के 5 कोच है, सेकंड एसी के 2 और फर्स्ट एसी का 1, तो 2 जनरल कोच भी है। और जहाँ तक फेयर की बात है, स्लीपर का फेयर है 605, थर्ड एसी का 1605, सेकंड एसी का 2375 2375 और फर्स्ट एसी 3985 यानी 3985। ट्रेन की सिग्नल हो चुकी है और ट्रेन हमारे यहाँ से धीरे धीरे रवाना हो रही है। टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स हैं, 200 ट्रेनों का हॉल्ट है, 20 ट्रेनें यहाँ से ऑर्डिनेट होती हैं, 20 टर्मिनेट। यहाँ का कर्जन गेट और साइंस सिटी मेजर अट्रैक्शन है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट कह सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है। 9:22 इसका टाइम था और कह सकते हैं 5 मिनट ट्रेन लेट आई है और ट्रेन हमारी निकल चुकी है। फ्रूट केक क्या कुछ ज़्यादा मीठा है। स्टेशन कोड है DTR। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 162 ट्रेनों का हॉल्ट है, एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक टर्मिनेट। 159 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं हावड़ा से। अब नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा आसनसोल, इसको मैं करूँगा स्किप क्योंकि लगातार 4 दिन से जो इतनी लगातार जो जर्नी हो रही है, वैसे भी मुझे दिन में नींद आती नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ और रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि ये जर्नी लंबी है, फुल डे फुल नाइट। तो आसनसोल स्टेशन को स्किप करेंगे। वैसे भी आसनसोल स्टेशन मैंने बहुत बार कवर किया हुआ है। दुर्गापुर स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी है। बता दूं ये वेस्ट बंगाल का 3rd लार्जेस्ट सिटी दुर्गापुर, और ये सामने लगी हुई है सियालदह सीतामढ़ी एक्सप्रेस, ठीक हमारे सामने वाले प्लेटफॉर्म पे।
हमारी पहुंच चुकी है कोडरमा स्टेशन कोड KQR। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स है, 77 ट्रेन्स का हॉल्ट है, 7 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 7 टर्मिनेट। और कोडरमा आप देख रहे हैं बगल मालगाड़ी लगी हुई है, कोयले से पूरी लोड है। और कोडरमा अपने खासकर अपने घाटे के लिए फेमस है। अगर आप पटना बाई रोड निकलते हैं यहाँ से तो आपको एक घाटी मिलेगा। लिया था लंच का, वेज नहीं है नॉन वेज है, दाल होगा लगता है इसमें देखिए, और धनिया पत्ता ऊपर से डाला हुआ है, ये चिकन दही दिया हुआ है, और खाने के लिए दिन का स्पून है ये पिकल, राइस चिकन दाल पराठे दही। भूख लगी है, सुबह से एक केक खाया था, एक चाय पी थी। ट्रेन हमारी कोडरमा से निकल चुकी है, अब आएगा इसका नेक्स्ट स्टॉपेज गया जंक्शन। पहुंच चुकी है गया जंक्शन स्टेशन कोड GAYA। टोटल 9 प्लेटफॉर्म है, 132 ट्रेनों का हॉल्ट है, 15 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 15 टर्मिनेट। वर्ल्ड फेमस बहुत गया, कौन नहीं जानता, ऑल ओवर नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के बाहर से लोग पर्यटक लोग बहुत गया आते हैं, यहाँ के कोने कोने से श्रद्धालु लोग विष्णु पर टेम्पल आते हैं और घूमने के लिए यहाँ का बराबर पहाड़ गया में देखा जाए तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पे ट्रेन 2:50 का राइट टाइम पर, यहाँ राइट टाइम है ये। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है डेहरी ऑन सोन। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, 81 ट्रेन्स का हॉल्ट है, 8 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 8 टर्मिनेट। थोड़ी देर पहले देखा होगा सोन रिवर जो क्रॉस किया था ट्रेन ने, इसी सोन नदी पे स्टेशन का नाम पड़ा है डेहरी ऑन सोन। ट्रेन हमारे पहुंच चुकी है सासाराम स्टेशन कोड SSM। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, 84 ट्रेनों की हॉल्ट है, 4 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 4 टर्मिनेट। यहाँ का माँ तारा चंडी टेम्पल, सिरसा टॉम और पायलट बाबा मेजर अट्रैक्शन है सासाराम सिटी का। कितने मिनट इसका राइट टाइम था और यहाँ भी ट्रेन राइट टाइम आई है और कह सकते हैं हावड़ा से जब से खुली है कहीं बिफोर या कहीं या राइट टाइम पहुँच रही है, लेट कहीं नहीं। और ट्रेन अभी तक 559 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है। इंडियन रेलवेज का सबसे बिजिएस्ट स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय है, जो पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था वो मिस हो गया। अब क्यों मिस हुआ, कैसे मिस हुआ, इस पर छोड़िए, अब जो आ रहा है वाराणसी स्टेशन उसको मिस नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको उसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। 11 घंटे हो गए हैं इस ट्रेन का हावड़ा से निकले हुए, अभी आप देख सकते हैं, अभी भी आप ये वॉशरूम यूज कर सकते हैं, नीट एंड अभी भी कह सकते हैं साफ सुथरा।
आप नज़ारा देख रहे हैं वाराणसी, और हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी। और ये सामने देखिए गंगा जी किनारे जितना घाट है, क्यों उनको गर्मी लग रहा है? बाकी डॉक्टर नहीं बता पाएगा। नहीं, हो सकता है बनारस में टेम्परेचर ज्यादा हो, या जैकेट पहने इसलिए गर्मी लग रहा हो। कुछ बोलिए, पहुंच चुके वाराणसी रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म भी आपके साइड में है। हां, इधर ही है। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है वाराणसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BSP। टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स है, 172 ट्रेनों का हॉल्ट है, 40 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 41 ट्रेनें टर्मिनेट। काशी विश्वनाथ टेम्पल कह सकते हैं, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ सारनाथ, यहाँ का दुर्गा माँ टेम्पल, घाट यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। काशी विश्वनाथ टेम्पल, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से, यहाँ तक इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। बनारस बाई ट्रेन पहुँच चुकी है इलाहाबाद, स्टेशन कोड ALD। यहाँ टोटल 10 प्लेटफॉर्म है, 203 ट्रेन का हॉल्ट है, 28 ट्रेन यहाँ सर्विसेंट होती है, 28 टर्मिनेट, और यहाँ जम के बारिश हो रही है। अब देखिए लाइट आ चुकी है, पानी देखिए। सुबह के 7:20 हो रहे हैं और ट्रेन यहाँ कह सकते हैं 1:20 लेट आई है। जो ट्रेन हावड़ा से राइट टाइम चल रही थी, इवन जब इलाहाबाद तक जगा हुआ था तो इलाहाबाद भी राइट टाइम पहुँची थी, लेकिन इलाहाबाद में जम के बारिश हो रही थी और यहाँ ट्रेन 1:20 लेट आई है। चलिए, होप आपने ये जर्नी इन्जॉय किया होगा, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई जर्नी पर। तब तक लिए अलविदा, बाय एंड टेक केयर। और दिल्ली में भी जम के बारिश हुई, आप देख रहे हो।